एडवांस चलान। एडवांस चलान क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अभी कुछ प्रोडक्ट, कुछ पार्टियाँ आपकी ऐसी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कॉरपोरेट कस्टमर जो होते हैं, जिनको आप हर छोटी चीज़ का बिल नहीं कर सकते, वो आपको फ़ोन पे ऑर्डर करते हैं, आप उन्हें प्रोडक्ट डिस्पैच कर देते हैं, प्लस आप उन्हें हर वीकली या 10 डेज या 15 डेज या मंथली, जैसा आपने उनके साथ साइकिल आपका आपका साइकिल सेट किया है, टाइमलाइन सेट किया है, उस हिसाब से आप उन्हें बिलिंग करते जाएंगे। तो उस वक्त तक आप क्या करेंगे, आप जो भी प्रोडक्ट उन्हें देते हैं वो आप उन्हें एडवांस चलान के ऊपर ही देते जाएंगे। तो बहुत इजी है। कैसे बनाना है एडवांस चलान? आपको सबसे पहले, जैसे मैं बता रहा हूँ, प्रोडक्ट आपको बारकोड नंबर यहाँ पर स्कैन कर लेना है, उस ऐड कर लेना है, उसको कस्टमर का नाम वगैरह डालना है। यहाँ पे देखिए सर्च का साइन में आपको जाना है, कस्टमर का इनिशियल्स मेंशन करना है, जितने भी उससे मैचिंग होंगे वो कस्टमर आ जाएंगे, आपको लोड करना है। और फिर अगर आप उसमें पैसा भी, अगर कस्टमर आपको कुछ एडवांस देता है तो वो भी आप डाल सकते हो। अगर कस्टमर कुछ पैसा आपको नहीं देता है, आपको पूरा पूरा मंथ एंड पे ही हिसाब में ही मिलने वाला है, तो वो भी आप कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। कितनी नंबर ऑफ कॉपीज आप लेना चाहते हो, सपोज कस्टमर को एक कॉपी देना चाहते हो, एक कॉपी आप अपने फाइल में खुद के पास मेंटेन करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो, नंबर ऑफ कॉपीज भी आप सेट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल मैंने जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड किया है, मैं इसे कर दूंगा सेव। वो मुझे कन्फर्मेशन मांगेगा पेमेंट के बिना, मैं यस कर देता हूँ। जैसे मैंने यस किया, मेरे लिए वो प्रिंटआउट रेडी हो गया। इसका प्रिंट कैसे दिखेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। एडवांस चैनल लिस्ट में जाके मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से एडवांस चलन, कंपनी का नाम, कस्टमर का नाम, उसका डिटेल्स, एडवांस रिसिप्ट नंबर, इसका प्रोडक्ट का डिटेल्स, प्लस जो भी मेरा एक्स्ट्रा डिटेल्स और मुझे डालना है, टर्म्स एंड कंडीशन डालना है, वो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे इजीली मेंशन कर सकता हूँ। अब जब भी मुझे इस अप्रूवल का बिल में कन्वर्ट करना है, तो वो भी बहुत ही सिंपल है मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सेल्स स्क्रीन में जाना है। सेल्स स्क्रीन में जाकर हमें यहाँ पर एडवांस चलन वाले ऑप्शन में जाना है, अप्रूवल स्लिप वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर हमें एडवांस को टिक करना है। देखिए जितने भी मेरे एडवांस बाकी होंगे वो मुझे यहाँ पे दिख गए। उसमें से मैं सारों का बनाना चाहता हूँ तो मैं सारों का बना सकता हूँ, या स्पेसिफिक कोई है उन्हें ही टिक करके लोड करना चाहता हूँ तो उन्हें ही टिक करके लोड करूँगा। ये देखिए बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स, बहुत ईजी है। एक दो बार आप ऑपरेट करेंगे, शायद तीसरी बार आपको बताना ना पड़े, इतना सिंपल है।